Vivo Z1 Pro दोस्तों आज फाइनली लॉन्च हो चुका है और ये फोन दोस्तों क्या कमाल का फोन है। चाहे हम बात करें बैटरी लाइफ की, चाहे बात करें हम कैमरास की, चाहे बात करें हम डिजाइन की, चाहे हम बात करें परफॉर्मेंस की, सभी जगहों पे ये जो फोन है दोस्तों एकदम परफेक्ट सा लगता है। और ये फोन दोस्तों बहुत ही चलने वाला है, बहुत सारे लोग इसका वेट कर रहे थे और बहुत सारे लोग दोस्तों अब कंफ्यूज है इस फोन को लॉन्च होने के बाद कि Realme 3 Pro बेस्ट होगा या फिर आपका Vivo Z1 Pro बेस्ट होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक छोटा सा कंपैरिजन करने वाले हैं इन्हीं दोनों फोन का। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपको Vivo Z1 Pro लेना चाहिए या फिर आपको लेना चाहिए Realme 3 Pro। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। और हां दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। दोस्तों अंडर 20,000 अभी बहुत सारे फोन अवेलेबल हैं, लेकिन इनमें से Realme 3 Pro जो है काफी पॉपुलर है, Redmi Note 7 Pro काफी पॉपुलर है और अब Vivo Z1 Pro भी काफी पॉपुलर हो चुका है। चलिए शुरुआत करते हैं इन दोनों फोन के कंपैरिजन का। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोनों के डिजाइन को लेके। तो दोनों में दोस्तों आपको पॉलीकार्बोनेट बॉडी देखने को मिल जाता है, ग्लोसी फिनिश के साथ दोनों ही आता है, दोनों का लुक जो है काफी अट्रैक्टिव है। लेकिन हाँ, प्लास्टिक टाइप का डिजाइन है तो इस बात को आपको ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन दिखने में दोस्तों दोनों ही फोन काफी ज्यादा प्रीमियम लगते हैं, तो यहां पे दोनों ही फोन जो है काफी अच्छे हैं डिजाइन के मामले में। अगर डिस्प्ले की बात की जाए दोस्तों, तो वन ऑफ द मेन सेलिंग पॉइंट जो है Vivo Z1 Pro का इसका डिस्प्ले भी होने वाला है, क्योंकि यहां पे आपको मिलता है इन डिस्प्ले कैमरा। यहां पे 6.53 इंच का एक डिस्प्ले मिलता है जो कि एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल है और पंच होल डिस्प्ले होने की वजह से दोस्तों ये जो फोन है काफी अट्रैक्टिव लगता है फ्रंट से। अगर मैं बात करूं दोस्तों Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro में भी आपको 6.3 इंच का एक फुल HD प्लस IPS LCD पैनल देखने को मिलता है। यहां पे एक वाटर ड्रॉप नॉच जो है आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर दोनों की डिस्प्ले को देखा जाए तो श्योरली यहां पे जो है ज्यादातर लोग Realme 3 Pro की बजाय Vivo Z1 Pro को चूज करना चाहेंगे इसके पंच होल डिस्प्ले की वजह से। तो डिस्प्ले के मामले में दोस्तों मैं जो है यहां पे Vivo Z1 Pro के साथ जाना चाहता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन के परफॉर्मेंस को लेके। Realme 3 Pro में आपको Snapdragon 710 का चिपसेट देखने को मिलता है, जबकि Vivo Z1 Pro में आपको मिलता है Snapdragon 712। और ये इंडिया का पहला फोन है दोस्तों जहां पे आपको Snapdragon 712 का चिपसेट देखने को मिलता है। दोस्तों Snapdragon 710 और 712 दोनों ही 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है और दोनों में जो आपको GPU मिलता है वो मिलता है Adreno 616 का। लेकिन दोस्तों यहां पे अगर हम ध्यान दें AnTu स्कोर की, तो AnTu स्कोर में भी यहां पे 712 जो है वो 7110 से काफी आगे है, चाहे हम बात करें CPU की, चाहे हम बात करें GPU की, या फिर बात करें हम Geekbench स्कोर की, सभी के मामले में दोस्तों यहां पे Snapdragon 712 जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव्ड है। दोस्तों अगर हम कंपेयर करते हैं Snapdragon 712 और 710 को, तो 10% ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, 25% बेटर ओवरऑल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, 45% बेटर ग्राफिक परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा और 2x आपको AI परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो मैं जो है यहां पे दोस्तों Vivo Z1 Pro के साथ जाना चाहूंगा, क्योंकि इसमें जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी वो Realme 3 Pro से ज्यादा बेटर होने वाली है। अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन के गेमिंग को लेके। जो Realme 3 Pro है और Vivo Z1 Pro है, दोनों में काफी अच्छी गेमिंग आपको देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों Snapdragon 712 होने की वजह से Vivo Z1 Pro में थोड़ी बहुत जो है ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी कंपेयर टू Snapdragon 710। और साथ ही दोस्तों यहां पे जो है Vivo Z1 Pro में काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज किया गया है इस फोन को गेमिंग के लिए, और PUBG जो है इसमें काफी अच्छे से चलने वाला है, काफी स्मूथ से चलने वाला है। और यहां पे एक बात और बताना चाहता हूं, कुछ एडिशनल फीचर्स भी PUBG में दिया गया है, जैसे कि आप वॉइस को चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आपको 4D वाइब्रेशन का भी फील होगा जब आप गेम वगैरह खेलेंगे, और उसके अलावा दोस्तों आपको जो है 3D साउंड भी देखने को मिल जाएगा Vivo Z1 Pro में। दोस्तों Realme 3 Pro में आपको गेमिंग सेंटर देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जो Realme 3 Pro है वहां पे कुछ ऐसे फीचर्स नहीं मिलते हैं जो कि आपको Vivo Z1 Pro में देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपको मल्टी टर्बो का फंक्शन देखने को मिल जा रहा है। यहां पे दोस्तों बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, ये आपके फोन को जो है थोड़ा सा कम हीट होने देगा, हीटिंग को जो है थोड़ा सा कंट्रोल भी करेगा, और भी बहुत सारे फीचर्स जो है मल्टी टर्बो में ऐड किए गए हैं जो कि आपके गेमिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएंगे। तो Vivo Z1 Pro जो है दोस्तों PUBG लवर के लिए बहुत ही अच्छा फोन होने वाला है। PUBG लवर जो है जो भी इस फोन को जरूर से ले सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों मैं गेमिंग के मामले में भी Vivo Z1 Pro को ही चूज करना चाहूंगा।
अब बात करते हैं दोस्तों दोनों फोन के कैमरास को लेके। Vivo Z1 Pro में आपको मिलता है ट्रिपल रियर कैमरा, जबकि Realme 3 Pro में आपको मिलता है डुअल रियर कैमरा, और जो सेल्फी कैमरा है दोस्तों वो भी Vivo Z1 Pro का बेटर है। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ आपको मिलता है दोनों के कैमरा में। Vivo Z1 Pro में आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिलता है, जो मेन सेंसर है दोस्तों वो है 16 मेगापिक्सल का सोनी IMX499 का सेंसर, और यहाँ पे आपको F1.7 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेंसर की, तो सेकेंडरी सेंसर जो है दोस्तों वो है 8 मेगापिक्सल का, ये एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, तो अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और जो तीसरा सेंसर है दोस्तों वो है 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपसे Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, सोनी IMX519 का सेंसर देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा सेंसर है। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकेंडरी सेंसर की, तो यहाँ पे 5 मेगापिक्सल का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाता है। दोनों फोन में दोस्तों आपको काफी अच्छा रियर कैमरा देखने को मिल जाता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल रियर कैमरा होने की वजह से Vivo Z1 Pro में और अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होने की वजह से मैं जो है रियर कैमरा के मामले में Vivo Z1 Pro को चूज करना चाहूंगा। वहीं पे अगर मैं बात करूं फ्रंट कैमरा की दोस्तों, तो फ्रंट में Realme 3 Pro 25 मेगापिक्सल के फ्रंट कैमरा के साथ आता है, और जो Vivo Z1 Pro है दोस्तों वहां पे आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहां पे भी दोस्तों मैं जो है Vivo Z1 Pro के 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा के साथ जाना चाहूंगा। तो ओवरऑल कैमरास के मामले में दोस्तों मैं जो है Vivo Z1 Pro के साथ जाना चाहूंगा। बाकी दोस्तों रियल कैमरा टेस्ट जो है मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल पे लाऊंगा Realme 3 Pro और Vivo Z1 Pro का, तो उसके लिए आप जरूर से हमारे चैनल पे बने रहिएगा। हाँ, एक बात मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ, दोनों ही फोन में जो है आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग EIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। जो Realme 3 Pro है दोस्तों वहां पे आपको सुपर स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन ओवरऑल कैमरास के मामले में दोस्तों मैं यहाँ पे Vivo Z1 Pro के साथ ही जाना चाहूंगा। दोस्तों अब बात करते हैं बैटरी लाइफ को लेके। तो दोस्तों दोनों ही फोन में आपको काफी अच्छी बैटरी देखने को मिल जाती है। जो Realme 3 Pro है दोस्तों वहां पे आपको 4045 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जबकि हमारा Vivo Z1 Pro जो है वो आता है 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ। Vivo Z1 Pro में आपको मिलता है 18W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। वहीं पे दोस्तों अगर मैं बात करूं Realme 3 Pro की, तो Realme 3 Pro में भी आपको वुक चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो आपकी बैटरी को लगभग 80 मिनट्स में फुल चार्ज कर देता है। तो बैटरी के मामले में अगर बात की दोस्तों, तो कहीं ना कहीं बैटरी के मामले में भी यहां पे Vivo Z1 Pro जो है बीट कर देता है Realme 3 Pro को, और बैटरी के मामले में भी दोस्तों मैं यहां पे Vivo Z1 Pro को ही चूज करना चाहूंगा। बाकी और चीजों की बात की जाए दोस्तों, तो Realme 3 Pro में आपको कलर ओएस 6 और एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलता है, और जो Vivo Z1 Pro है दोस्तों वहां पे आपको फ्रंट टच ओएस और एंड्रॉइड 9 पाई देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो दोनों ही फोन में आपको डुअल 4G वोल्टी, डुअल सिम प्लस SD कार्ड का सपोर्ट, उसके बाद फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट स्कैनर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और जो सभी बेसिक सेंसर्स हैं दोस्तों सभी दोनों फोन में आपको देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों अगर प्राइसिंग को लेकर बात की जाए, तो Realme 3 Pro जो है 13999 से शुरू होता है 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ, और जो Vivo Z1 Pro है दोस्तों वो 14990 से शुरू होता है, यानी लगभग 14000 और 15000 से दोनों फोन जो शुरू हो रहे हैं 4GB RAM 64GB स्टोरेज के साथ। और दोस्तों प्राइसिंग के मामले में इस बार जो है Vivo बहुत ज्यादा कमाल कर दिया। ये फोन आपको सिर्फ जो है Flipkart पे मिलेगा, 11 जुलाई से मिल जाएगा, तो आप जो है इस फोन को जाके खरीद सकते हैं Flipkart से। और दोस्तों मुझे यहां पे इसकी जो प्राइस है, पहली बार Vivo की किसी फोन की प्राइस बहुत ही लगी है। तो ये था दोस्तों हमारा ओवरऑल कंपैरिजन दोनों फोन का। आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि दोनों फोन में कौन सा फोन ज्यादा बेटर है, किस मामले में कौन सा फोन अच्छा है। यहां पे मैं आपको यही कहूंगा, जो Vivo Z1 Pro है दोस्तों वो Realme 3 Pro से काफी अच्छा है, और आप अगर कोई नया फोन लेने का सोच रहे हैं तो आप जो है Vivo Z1 Pro ले सकते हैं। इन दोनों फोन में दोस्तों मैं यहां पे Vivo Z1 Pro के साथ जाना चाहूंगा। बाकी आप बताओ दोस्तों कमेंट करके कि आप Realme 3 Pro लोगे या फिर Vivo Z1 Pro लेना चाहोगे, बताना मुझे कमेंट में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।